सागर सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता, एक इंतकामी दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता, सुलगती हैरतअंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। चुनारगढ़ रियासत के महाराज शिद्दत के सिपह सालारों को तलाश थी तिलिस्म के रखवाले दारोगा की, जिसकी सुरक्षा में थी बेशुमार दौलत से भरे तिलिस्म की चाह। इस तबाही और दहशत से तबाह सुमेधा के आवाम ने तिलिस्म के दारोगा को दुश्मनों के हवाले करके शांति खरीदने का फैसला किया। क्या हम ये नहीं सोचेंगे कि उस दुश्मन का मकसद क्या है, उसकी मंजिल क्या है? चुनारगढ़ रियासत के सामने आज खड़ा है सबसे अहम ये सवाल कि तिलिस्म का दारोगा कौन है? लयबद्ध कोई अंग नहीं, बिगड़े हैं गुप्ताल, उम्र की कश्ती पार कर चुकी 65-70 साल। मैं ही दारोगा परिचंद हूँ। और फिर दारोगा परिचंद तिलिस्म के उस पेचीदा गुमनाम राज को रोशन करता है। चुनारगढ़ रियासत में पहुंचती है महारानी की मुंह बोली बहन शव्या की जुर्मा बहन रम्या। कितनी भोली, कितनी सुंदर है, महाराज को पेश करूंगी, खुश हो जाएगी। नृत्य के दौरान महाराज शिवदत्त रम्या का करते हैं आलिंगन और अपने शरीर के विष को उतार देते हैं रम्या के शरीर में, जिससे हो जाती है उसकी अकस्माती मौत। मौत की दर्दनाक चीख को सुनकर जब शव्या झील के पास पहुंचती है तो सन्न रह जाती है। और फिर ये तो मेरी बहन रम्या है। रम्या, रम्या, क्या हुआ ऐसे? रम्या तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, ये बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ ऐसे? इसका बदन तो छोटा पड़ गया, क्या हुआ ऐसे? और आप सब बोलते क्यों नहीं, किसी की हालत ऐसी की क्या के लिए लाशें? कोई नई बात तो नहीं? खामोश, क्या तुम जानते नहीं कि चुनारगढ़ में ज्यादा बोलने वाले की जुबान तराशती जाती है? चलो चलो के लेके आई हो? ये अभागन का बेटा जिससे आप मिलना चाहती थी, लेकिन आज वो आपसे मिलकर भी कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि इसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ये तो ठीक पहचान आपने, ये वही है रम्या, मेरी बहन रम्या। ये सब कैसे हो गया? हाँ, कैसे हुआ ये सब? हथियारों ने इसकी जान ले ली, इसका नृत्य ही इस मासूम की मौत का कारण बन गया। इस दुनिया में मेरा एक ही तो कोई अपना था, मेरी बहन रम्या, वो भी मुझसे बहुत दूर चली गई। इस बेदर्द जमाने की मनुष्य नजर ने उसे भी डस लिया, उसे भी डस लिया। किसने किया ये सब? कौन हत्यारा है इस मासूम का? कौन राक्षस है वो? क्या बात है महारानी, कुछ परेशान सी लग रही हो? हाँ महाराज, देखिए सभ्या की जुड़वा बहन रम्या की किसी ने हत्या कर दी। हत्या? हाँ महाराज,
मेरी बहन का हत्यारा यही इसी राजमहल में है, उसे पकड़ कर मुझे न्याय दीजिए महाराज, मुझे न्याय दीजिए। हाँ महाराज, सभ्या को न्याय मिलना ही चाहिए। सभ्या, सभ्या मेरी धर्म बहन है, उस रिश्ते से रम्या भी मेरी बहन हुई। उसके हत्यारे को जब तक सजा नहीं मिलेगी वो पकड़ा नहीं जाएगा, मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। आप खामोश क्यों है महाराज? महारानी, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि शिव तत्व का चुनारगढ़ अपने न्याय के लिए मशहूर है, और शिव तत्व को अपने न्याय के बारे में कोई शक नहीं। आपके न्याय के बारे में कोई कैसे शक कर सकता है महाराज? पर मुश्किल ये है कि आपके राज्य में कोई जबान खोल नहीं सकता। पर आज मेरी जबान खामोश नहीं रह सकी, आज मेरी अंतरात्मा रो पड़ी है, मुझे न्याय दीजिए महाराज। आप परेशान क्यों है महाराज? रम्या का खून चीख चीख कर आपसे इंसाफ की फरियाद कर रहा है। फरियाद? ये मौत एक उलझी हुई पहेली है महारानी, शिव दत्त का इंसाफ इस पहेली को सुलझाएगा, तभी वो आपके सामने आएगा। पर आज तक एक भी मौत की कोई भी पहेली सुलझी नहीं महाराज। आज मेरी बहन की मौत ने मुझे झंझोड़ दिया है महाराज, नहीं तो मैं हमेशा खामोश रही। कितनी बार कितनी औरतों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी है मैंने यहाँ, और उनकी नीली पड़ गई लाशों को भी देखा है मैंने। और आज आज रम्या की लाश भी उसी तरह नीली पड़ गई महाराज। इसका मतलब हत्या करने वाला कोई एक ही इंसान है जो एक ही तरह हत्या करता है। हाँ महारानी हाँ, और वो आदमी इसी राजमहल का आदमी है। तब तो ये बहुत भयानक बात है महाराज। महाराज अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। सभ्य ये जान गई है कि राम्या का कातिल। आज मेरी बहन की मौत ने मुझे झंझोड़ दिया है महाराज, नहीं तो मैं हमेशा खामोश रही। कितनी बार कितनी औरतों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी है मैंने यहाँ, और उनकी नीली पड़ गई लाशों को भी देखा है मैंने। और आज आज रम्या की लाश भी उसी तरह नीली पड़ गई महाराज। इसका मतलब हत्या करने वाला कोई एक ही इंसान है जो एक ही तरह हत्या करता है। हाँ महारानी हाँ, और वो आदमी इसी राजमहल का आदमी है। तब तो ये बहुत भयानक बात है महाराज। महाराज अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो ये शब्द सुनने का आदि नहीं है शिव तत्व सभ्या। जानती हो शिव तत्व ने ये शब्द क्यों सुना? क्योंकि महारानी तुमको धर्म बहन मानती है। शिव तत्व का इंसाफ किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ शिव तत्व का मोहताज है। परेशानी में कहां जा रहे हैं? देखो
मां साहब को शिवदत्त का प्रणाम। कैसी है मां साहब? आपको हैरानी हो रही होगी कि आपका यह शिवदत्त आज आपके दरबार में हाजिर क्यों हुआ है। तो सुनिए मां साहब, शिवदत्त के दिमाग में तूफान सा उठ रहा है, समझ में नहीं आता क्या करें। आपका यह शिवदत्त खाई और खंदक में फंस चुका है मां साहब। मां साहब, सभ्य अपनी बहन की हत्यारे की तलाश में है। कलावती उसका साथ जरूर देगी क्योंकि कलावती सभ्य को अपनी धर्म बहन मानती है। ऐसे हालात में अगर कलावती को यह पता चल गया कि शिवदत्त एक विष पुरुष है तो वह सच्चाई को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो आत्महत्या कर लेगी मां साहब, आत्महत्या। और अगर उसने आत्महत्या नहीं की तो मां साहब वो हमें बेहद गिरी हुई नजरों से देखेगी। आप तो जानती हो मां साहब, आपका यह शिवदत्त कलावती को कितना चाहता है। शिवदत्त कलावती के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और ना ही उसकी नफरत को सह सकता है। मां साहब, कलावती आपके शिवदत्त को देवता मानती है, देवता। अब आप बताइए शिवदत्त क्या करे, क्या करे शिवदत्त? कोई रास्ता दिखाइए मां साहब, कोई रास्ता दिखाइए। बेटे, मैंने तो आपको अपने अमृत जैसे दूध पर पाला था, लेकिन शिवदत्त आपके भाग्य में तो जहर लिखा था। आपने विष को अपनाया और इसका यही अंजाम होना था, उसी वजह से आज आप इस गहरी उलझन के मुकाम पर खड़े हैं। ये कैसा तिलस्म है? सारी दुनिया जानती है कि महाराज की मां मर चुकी है, पर ये तो मौजूद है मेरे सामने। महाराज शिवदत्त ने अपनी काली जिंदगी के बारे में मुझसे कुछ नहीं छुपाया, फिर ये बात क्यों छुपाई? आपको तो सब कुछ मालूम है मां साहब, कि आपका ये शिवदत्त आपके बगैर एक पल तक नहीं रह सकता। उस आम्रपाली की वजह से जब जब आपका अपमान होता या जब कभी आपने जातन की जाती तो आपका ये शिवदत्त बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मां साहब, शिवदत्त के भीतर एक ज्वालामुखी धधकने लगते थे। मुझे सब कुछ याद है, मेरी खातिर तुमने तब आम्रपाली को जहर के समुद्र में डुबोकर उसकी जान ले ली थी। हाँ मां साहब, हाँ, शिवदत्त के भीतर तब अपनी मां साहब के लिए वो धधकती हुई ज्वालामुखी फट पड़ती थी। लेकिन ये कितना भयानक है कि आपके ज्वालामुखी का लावा आज भी बहता जाता है और आप हत्याएं करते जाते हैं, हत्याएं हत्याएं और हत्याएं। मां साहब, आपके आंचल के साये में ये शिवदत्त अपनी उलझनों का रास्ता तलाश करने आया था और आपने उसी शिवदत्त पर आरोप लगाया। मेरी बहन का कातिल है महाराज शिवदत्त। हाँ, शिवदत्त के भीतर तब अपनी मां साहब के लिए वो धधकती हुई ज्वालामुखी फट पड़ती थी। लेकिन ये कितना भयानक है कि आपके ज्वालामुखी का लावा आज भी बहता जाता है और आप हत्याएं करते जाते हैं, हत्याएं हत्याएं और हत्याएं। मां साहब, आपके आंचल के साये में ये शिवदत्त अपनी उलझनों का रास्ता तलाश करने आया था और आपने उसी शिवदत्त पर आरोप लगाया। जिसने भी यहां आने की जुर्रत की वो शिवदत्त के राजमहल में फौरन हाजिर हो। Thank you.
इस खंजर ने गुस्ताखी की है, इसे एक मौका और दीजिए। आपकी गुनाहगार आपके सामने खड़ी है। यह खंजर किसी भी जिंदगी की लौ को बुझा सकता है। क्या तुम ये बता सकती हो कि इस लौ में क्या छुपा हुआ है? कुछ अनजाने अफसाने और कुछ छुपे हुए राज। शिव तत्व के राज जानने की जो भी कोशिश करेगा उसे इस लौ की तरह बुझा दिया जाएगा। तुम्हारे कदमों की आहट सुनते ही शिव तत्व ये जान गया था कि तुम ही हो। तुम्हारे सिवा कोई और होता ना तारा तो यह खंजर उसी वक्त उसके सीने को पार कर जाता। आपकी इस मेहरबानी का सबब और मतलब? सबब यह है कि इतनी बड़ी इस दुनिया में शिव तत्व का राज जानने वाला तुम ही एक अकेली औरत हो तारा। मुझे अपने पर बहुत फख्र होता है कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन तब आपने मां साहब के जिंदा होने के राज से मुझे महरूम क्यों रखा? तारा ये राज नहीं, ये राज दर राज है, यानी कि राज के भीतर छुपा हुआ एक और राज।